स्टूडेंट माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस आकोला। तो प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 15 लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे वॉन्ट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वॉन्ट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट। तो बच्चों, इसके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से बताता मैं आपको, बाद में इसको हम डिराइव करेंगे। अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू वन माइनस आई इन टू एन अपॉन एन माइनस वन, दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट यूज किया ए एक्स बी वाई, ये पहले बोर्ड लेवल समझा रहा मैं आपको, ए एक्स बी वाई, इसको हमने डिसोसिएट किए, एक्स ए एम पॉजिटिव प्लस वाई बी एन निगेटिव, ठीक है ना। कंसिडर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट डिजोल्व इन सॉल्वेंट, मीन्स दैट इज 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम 1 mole सॉल्यूट को डिजोल्व करेंगे, है ना, 1 kg सॉल्वेंट में, दैट इज कॉल्ड एज मोलैलिटी, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एक हो सकते हैं फिर एक से ज्यादा मोल हो सकते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड एज मोलैलिटी, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मान लीजिए इसका इनिशियल मोल मान ली हमने m इज इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ पर m लिख रहा, स्मॉल m मोलैलिटी, ये रहेगा 0 और 0, मतलब इनिशियल स्टेट पर जहां पर अभी आयंस तैयार नहीं हुए, है ना। इसके बाद में देखिए एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, m इंटू, है ना, 1 माइनस अल्फा, या फिर हम ऐसा लिख सकते m इन m माइनस m अल्फा, दैट इज इक्वल टू m इंटू 1 माइनस अल्फा। तो देखिए आप यहां पर इसका मीनिंग क्या हो रहा है, m mole सॉल्यूट में से, है ना, m अल्फा आयंस डिसोसिएट हुए, m mole सॉल्यूट में से, है ना, m अल्फा आयंस डिसोसिएट हुए, तो हमने यहां पर लिखे, ठीक है। अब यहां देखिए कितने मोल है, x m अल्फा, ये x इसका कोएफिशिएंट था, और यहां पर ये y m अल्फा, ठीक है ना। अब I कैसे निकालते हैं, I इज इक्वल टू वॉन्ट ऑफ फैक्टर, बताइए आप इन सबका सम, है ना, टोटल क्या है बताइए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, बताइए m इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस x m अल्फा प्लस y m अल्फा। हम एक काम करते हैं, यहां से पहले m को कॉमन निकाल लेते, ठीक है ना। चलिए देखिए, I इज इक्वल टू m इन टू 1 माइनस अल्फा बराबर है प्लस, ठीक है ना, क्या रहेगा बताइए, अल्फा x प्लस अल्फा x प्लस अल्फा y, अल्फा x प्लस अल्फा y, और कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर, यहां से हम अल्फा कॉमन निकाल लेंगे। तो चलिए देखिए, I इज इक्वल टू m इन टू बराबर है 1 प्लस, ठीक है ना, x प्लस y, यहां से हमने अल्फा कॉमन निकाली, कितना बचा यहां पर -1, ये इन टू अल्फा। वी नो दैट सिंस x प्लस y इज इक्वल टू n, तो आप n पुट कर सकते हैं यहां पर, n रहेगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, ठीक है, या फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड। सो I इज इक्वल टू m इंटू, है ना, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, और आप कैसे लिख सकते बताइए, I इज इक्वल टू, याद आ रहा हूं आपको, सिंस वी नो दैट I इज इक्वल टू, ठीक है ना, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व तो ये आपके सामने प्रूफ है, थ्योरेटिकल कौन सा है, ये, तो ऑब्जर्व m इंटू 1 प्लस,
ठीक है ना, एन माइनस वन इंटू अल्फा अपॉन एम, एम एम गेट्स कैंसर हो जाएगी, सो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, ठीक है ना। इसमें कुछ डाउट है क्या आपको, पक्का? ठीक है, अब एक काम करते हैं, आई की वैल्यू ये जो है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यहां पर आई इज इक्वल टू एम थ्योरेटिकल है ना अपॉन एम ऑब्जर्व, एक ये भी पढ़े थे हमने, है ना। वी नो दैट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, तो आप इस वैल्यू को यहां पर पुटअप कीजिए, बताइए कैसे यूज करेंगे। अल्फा इज इक्वल टू एम थ्योरेटिकल माइनस, है ना, एम थ्योरेटिकल माइनस वन अपॉन एम ऑब्जर्व अपॉन क्या है बताइए, एन माइनस वन। सो अल्फा इज इक्वल टू एम थ्योरेटिकल माइनस एम ऑब्जर्व अपॉन एम ऑब्जर्व, ठीक है ना, एम एम बोल दो मॉलिक्यूलर मास, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास एन माइनस वन, ठीक है ना। अगर आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अल्फा इज इक्वल टू एम थ्योरेटिकल माइनस एम ऑब्जर्व अपॉन एम ऑब्जर्व इंटू एन माइनस वन, बस ये बोर्ड लेवल था, ठीक है ना, कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, ठीक है, पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, ये दो फॉर्मूले हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। हाँ, अब इसे शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं, बाद में उसकी कुछ हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना। हाँ, क्या वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका क्या रिलेशनशिप है? वांट ऑफ फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से, वांट ऑफ फैक्टर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, ठीक है ना। तो यहां लिखे हमने ए एन, इसको हमने डिसोसिएट किए, ठीक है, एन ए, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो गए बिकॉज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो यहां पर हमने इसके इनिशियल मोल यूज किए, मान लीजिए वन मोल, और ये कितना, जीरो डिसोसिएट शुरुआत में। एट इक्विलिब्रियम वन माइनस अल्फा, और यहां क्या रहेगा, एन अल्फा, ये एन नंबर ऑफ मोल्स और एन अल्फा। तो ये वन माइनस अल्फा का मीनिंग क्या हो रहा, क्या अल्फा मोल, ठीक है, अल्फा मोल्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, डिसोसिएट डिसोसिएट इन वन मोल, एक मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो रही है। मान लीजिए यहां पर हमने एक मोल एनए से ली और वहां से हम डिसोसिएट कर रहे अल्फा मोल, तो क्या बताइए क्या एक मोल में से कितने डिसोसिएट हो रहे, कितने माइनस हो रहे, तो वन माइनस अल्फा इक्विलिब्रियम स्टेट पर, ठीक है ना। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स सो आई इज इक्वल टू, बताइए आप कैसे लिखेंगे, वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन वन, बराबर है ना, क्या है ये ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्या हो जाएंगे इसमें बताइए। सो अल्फा इज इक्वल टू, बराबर ना, आई माइनस वन बराबर है अपॉन एन माइनस वन, हो गया। किसके लिए है ये, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए, वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसके बाद देखिए आप, वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, वांट ऑफ फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यहां पर यूज किए हमने एन मोल, ये प्रोड्यूस करेगा बताइए ए एन, यहां पर एसोसिएशन में कितना मोल, इनिशियल में आप इसको वन मान लेना, ओके सर, और ये कितना रहेगा, जीरो। एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा बताइए, वन माइनस अल्फा, तो यहां पर ये क्या रहेगा, अल्फा बाय एन, बराबर है ना, जी सर। सो आई इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, बराबर है। सो
अल्फा इज इक्वल टू वन माइनस आई इंटू एन अपॉन एन माइनस वन, ये डिराइव हो गया, ठीक है ना, डिसोसिएशन के लिए भी और एसोसिएशन के लिए भी। अब इसकी कुछ एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है ना, इसको नोट कर लो आप। देखिए डीओडी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एग्जांपल नंबर वन एनएससीएल, इसको हमने ब्रेक डाउन किए, ठीक है, कैसे हमें बताइए, एनए पॉजिटिव प्लस सीएल नेगेटिव। अब यहां पर हम डायरेक्ट शॉर्टकट से निकाल सकते हैं क्या, आई इज इक्वल टू कितना रहे इसका, आई इज इक्वल टू टू, क्योंकि कितने मोल्स है, दो मोल है, टू बाय वन इज इक्वल टू है ना टू। अब यहां पर देखिए अगर आपको अल्फा से निकालने के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताने, इनिशियल पर क्या है ये वन है, ये जीरो, ये जीरो कॉन्सेंट्रेशन। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, वन माइनस अल्फा, क्या मीनिंग हो रहा है इसका, वन माइनस अल्फा का मीनिंग ये हो रहा है कि अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए इन वन मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना, तो ये क्या रहेगा बताइए आप, अल्फा और ये भी अल्फा, एक एक ही मोल है ना, ठीक है, डिसोसिएट हो गए। सो आई इज इक्वल टू बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, क्या बच रहा है यहां पर, सो आई इज इक्वल टू 1, अच्छा ये अपॉन 1 हो जाएगा ना जी, अपॉन 1, ठीक है, सो आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1। इफ मान लीजिए आप अल्फा इज इक्वल टू 1 होगा, लेकिन कब, हां जब यहां पर 100% डिसोसिएशन होगा, अल्फा इज इक्वल टू वन कब होगा, जब यहां पर 100% डिसोसिएशन होगा, सो आई इज इक्वल टू 1 + 1 दैट इज 2। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएगा, रिलेशनशिप आपको समझ में आ गया, फॉर्मूला कैसे बना, आई इज इक्वल टू 1 + अल्फा। सेकंड एग्जांपल देखिए आप, MgCl2 हमने यहां पर लिखी, ये तैयार कर देगा Mg डायपॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव, तो इसका आई कितना आ जाएगा, 3, अगर आप प्रैक्टिस किया तो 2 और 3 मोल अपॉन 1 है ना, इनिशियल में कितना है ये 1 मोल है, ये कितना है 0 0, दैट इज इनिशियल, ठीक। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा बताइए, अल्फा और ये 2 अल्फा, दो मोल है ना, सो आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन 1, ठीक है ना, तो कितना बच रहा, 1 + 2 अल्फा, 1 + 2 अल्फा है ना। इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 हो तो आई इज इक्वल टू 1 + 2 × 1 इज इक्वल टू 3, आगे तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, सो आई इज इक्वल टू 1 + 2 अल्फा डिसोसिएशन के लिए MgCl, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखिए आप, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाली, चलिए एग्जांपल नंबर थर्ड, Al2SO4 by 3, बताइए क्या करेंगे, ट्वाइस Al+3 + thrice SO4 di-, इनिशियल पर क्या है बताइए, इनिशियल पर इसके हमने 1 मोल यूज किए, ये 0 0 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ये कितना रहेगा, 1 माइनस अल्फा, मतलब यहां पर एक मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए, ये कितना रहेगा 2 अल्फा, दो मोल है, अभी कितने अल्फा है 3 अल्फा, सो अच्छा आई कितना आ रहा था इसमें, 2 + 3 कितना 5 upon 1, सो आई इज इक्वल टू 5 आ रहा था, अब 5 कैसा आ रहा है यहां से आप फील कर लो, I is equal to observed, ये है ना 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा अपॉन 1, कितना अल्फा बचा यहां पर 1 अल्फा, ठीक है ना, सो I is equal to 1 प्लस है ना ये 1 प्लस 3 कितना 4 अल्फा अपॉन 1, तो इस पे ही रहने देते ना बराबर, इफ है ना अल्फा इज इक्वल टू 1 हो, सो I is equal to 1 प्लस 4 इंटू 1, कितना आंसर आ जाएंगे इसका 5, सो आई इज इक्वल टू 5,
कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? ठीक है, पॉज करके आप इसको नोट कर लो। अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड, चलिए देखिए। मान लीजिए अगर मैंने यहां पर ऐसे लिखा AlCl3, बताइए Al+3+3CL-, I कितना है इसमें? 4, है ना। लेकिन रिलेशनशिप कैसा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए? सो ठीक है, देखिए इनिशियल पर है यहां पर 1 मोल, ये कितना है? 0, 0। यहां पर इक्विलिब्रियम पर एट इक्विलिब्रियम है ना, ये कितना रहेगा? अल्फा, और ये 3 अल्फा, बराबर है। सो आई इज इक्वल टू है ना टोटल नंबर ऑफ 1 - α + α + 3α, ये कैंसिल रहेंगे, 1 + 1 कितना? 4, 4, ये अच्छा अपॉन 1 है ना, लिखो चाहेंगे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 + है ना कितना? 3α। इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 हो, सो आई इज इक्वल टू 1 + 3 × 1 = 4। आ गया आंसर, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक मैं लास्ट एग्जांपल ले लेता हूं, चलिए देखिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन K4FeCN/6, कैसे तोड़ेंगे आप इसको? 4K+ है ना FeCN/6, चार्ज आ जाएंगे इस पर -4। क्यों आ रहा समझ में आया क्या? कि एक पोटेशियम जो है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कॉम्प्लेक्स को, 2 पोटेशियम 2, 3 पोटेशियम 3 और 4 पोटेशियम 4, इसलिए कॉम्प्लेक्स पर चार्ज आएगा -4 और इस पर चार्ज आएगा +1, 4 के लिए +4, ठीक है ना। तो इनिशियल में कितना है, ये कितने मोल यूज किया हमने? 1, ये 0, 0 मान लीजिए। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर कितना रहेगा? 1 - α, ये कितना? 4α, और ये रहेगा 1α। सो आई इज इक्वल टू 1 - α + 4α + α/1, ठीक है ना। सो 1 + 4α है ना, तो क्या हो जाएगा? इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 हो, सो आई इज इक्वल टू 1 + 4 × 1 = 5, और यहां से भी हम 4 और 1 = 5 निकाल रहे थे, ऐसा आंसर। समझ आ गया? ठीक है ना, बस इतना मोर देन सफिशियंट हो गया, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसे। हाँ, अभी नए टॉपिक पर आइए, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है ना। एसोसिएशन के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताया, अल्फा इज इक्वल टू 1 - I (n/n-1। मान लीजिए मैंने यहां पर यूज किया CH3COOH है ना, और यहां पर एसोसिएशन हो रहा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? CH3COOH और ये Bi2 ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, लेकिन यहां पर आपको सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा बेंजीन। क्या यूज करेंगे? बेंजीन, बराबर है ना। क्या एसिड, एक एसिड को हमने रिजोल्व किया बेंजीन में, तो ये डाइमर फॉर्म बना लिया इसने। इससे पहले लेक्चर में मैंने टॉपिक बताया था आपको, ठीक है ना। इसका आंसर कितना आ रहा था? I इज इक्वल टू है ना 1/2 आ रहा था ना, ये कितना मोल है? 1 मोल, ये 2 मोल है, वही था ना। वो मैं आपको प्रूफ करवा के देता। इनिशियल में कितना है बताइए आप? इनिशियल में है सर ये 1 मोल, और यहां पर ये 0 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। और एट इक्विलिब्रियम 1 - α, मतलब अल्फा डिसोसिएट हुए 1 मोल में से, और यहां पर α/2, क्योंकि ये बराबर है ना, यहां पर कितना? एक, देखिए 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हुए है ना, और यहां पर कितना है? अल्फा का हाफ, α/2। सो I इज इक्वल टू, बताइए आप कैसे लिखेंगे इसको? 1 - α + α/2, 1 - α + α/2, क्या हो जाएंगे इसमें? सो I इज इक्वल टू, अच्छा ये अपॉन 1 रहेगा ना, अपॉन 1, सो I इज इक्वल टू, ठीक है ना, कितना रहेगा इसमें बोलिए? हाँ 1 है ना,
हाँ यहां पर क्या हो जाएगा, वन माइनस अल्फा बाय टू, आप इसको कैलकुलेट कर लो, हो जाएगा टू माइनस, है ना, टू माइनस बराबर वन माइनस अल्फा बाय टू, वन माइनस अल्फा बाय टू इफ अगर अल्फा इज इक्वल टू वन रहा सो आई इज इक्वल टू वन बाय टू। समझना क्या कैसे कहते हैं इसको, आई इज इक्वल टू वन बाय टू। एक और एक एग्जाम्पल देखिए आप, क्या मैंने यहां पर यूज किया फोर ए, इससे बना दिया हमने ए फोर, इनिशियल में कितना है वन और ये जीरो है ना इनिशियल, और इक्विलिब्रियम पर क्या रहेगा वन माइनस अल्फा, ठीक है ना, इसका कितना आंसर आ रहा है वन बाय फोर आ रहा है। चलिए देखिए कैसा आएगा, वन बाय फोर बराबर है, वन बाय फोर देखिए आप कैसा आएगा, ये कितना हो जाएगा अल्फा बाय फोर, सो आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मूव्स वन माइनस अल्फा प्लस है ना अल्फा बाय फोर, कितना हो जाएगा आई माइनस है ना आई इज इक्वल टू वन माइनस थ्री अल्फा बराबर थ्री अल्फा बाय फोर, सही है ना, ठीक है। कितना आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू फोर माइनस थ्री कितना वन है ना, मीन्स अल्फा बाय फोर, इफ अल्फा इज इक्वल टू वन रहा सो आई इज इक्वल टू वन बाय फोर, ठीक है ना। तो कर सकते हैं अभी हमने टेट्रामर के लिए किए, टेट्रामर, ट्राइमर के लिए क्या आ जाएगा, ट्राइमर के लिए आ जाएगा आई इज इक्वल टू वन बाय थ्री है ना, डाइमर के लिए आई इज इक्वल टू वन बाय टू, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का छोटा सा लेक्चर था, वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसके बाद में पढ़ेंगे हम क्या, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। उससे पहले इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाना है, मतलब अगले लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बाद में आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और एक लास्ट टॉपिक बाकी है हेनरीज लॉ।